हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रांडेड बैट रिव्यूज बाय क्रिकेट क्लॉथी। दिस इज काशान खान योर होस्ट और आज की एपिसोड बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि आज जो हम आपके लिए बैट्स लेकर आए हैं ये कोई नॉर्मल बैट्स नहीं है। दे आर नॉट जस्ट द रैंडम बैट्स, दे आर वेरी स्पेशल टॉप ब्रांड्स, पाकिस्तानी टॉप ब्रांड बैट हैं और टॉप ऑफ द लाइन है। उसके अंदर भी एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है क्रिकेट क्लॉथिंग और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेजेंड सीरीज और वन बाय वन हम रिवील करेंगे कि ये कौन सा ब्रांड है, कौन से बैट्स हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और सबसे पहला जो बैट मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं वो एक बहुत पाकिस्तानी टॉप ब्रांड है, सीए। किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया में ये जाया जाता है और आप देख सकते हैं कि ये सीए का वर्ल्ड क्लास लिमिटेड एडिशन लेजेंड सीरीज बैट है एंड इट हैज अ नंबर ओवर देयर व्हिच इज कॉल्ड 162 व्हिच शोज द क्वालिटी ऑफ द बैट कि दिस बैट इज मेड अप एक्सक्लूसिवली मेड बाय सीए। ओनली 162 बैट्स हैज बीन मेड सो फार दिस ईयर। तो आप देख सकते हैं कि ये बैट कितना एक्सक्लूसिव है और क्रिकेट क्लॉथिंग ये आपके लिए लेकर आया है और इसका प्रोफाइल आपके सामने है। इसके स्टिकर्स आप देख सकते हैं कि एनग्रेव्ड है, पूरा ये एनग्रेव्ड है। इसके ऊपर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज नहीं की कि वो रिफ्लेक्टर वाले स्टिकर्स हों। समटाइम ऐसा होता है कि रिफ्लेक्टर वाले स्टिकर्स जो हैं वो बॉलर को भी तंग करते हैं और सामने जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैट्समैन होता है उसको भी तंग करते हैं अगर आप बहुत ज्यादा सनलाइट में खेल रहे हैं, इफ यू आर प्लेइंग अंडर द लाइट्स एज वेल। तो दिस इज द न्यू टेक्नोलॉजी एक्सक्लूसिवली अवेलेबल एट क्रिकेट क्लॉथिंग। एज यू कैन सी द प्रोफाइल ऑफ द बैट, बहुत ही थिक किस्म का बैट है। आप देख सकते हैं इसके साइड प्रोफाइल बहुत हैवी है और इसमें जो बिल्ट इन टो गार्ड है और अगर हम इसके हैंडल की अगर आप बात करेंगे तो हैंडल सीए का एक्सक्लूसिव हैंडल होता है जो कि राउंड हैंडल यूज करते हैं और बैलेंस बहुत ही अच्छा है बैट का। एज यू कैन सी बहुत ही लाइट वेट बैट है, बहुत ही अच्छा फील दे रहा है। वेट अराउंड 2.7, इट सेज 2.8, बिटवीन 2.7 एंड 2.8 डेफिनेटली आप इसको चेक कर सकते हैं और इसके ऊपर एक बार कोड होता है जिससे कि आप इस बैट की जेन्युइनिटी चेक कर सकते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज जेन्युइन नॉट। रिगार्डलेस क्रिकेट क्लॉथिंग ऑलवेज ब्रिंग यू द जेन्युइन एंड द क्लासी हैंड पिक्ड प्रोडक्ट्स। सो ये बैट बहुत अच्छा है। इसका पिंग देखते हैं, पिंग देखने से पहले इसके ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ग्रेन्स इसके बहुत स्ट्रेट हैं और काफी सारे हैं। लेट मी काउंट दोज ग्रेन्स फॉर यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऑलमोस्ट 12 स्ट्रेट ग्रेन्स हैं इसके अंदर और ये बैट की क्वालिटी आपको बता रहा है कि दिस बैट हैज बीन मेड अप ऑफ अ हाईएस्ट ग्रेड ऑफ द इंग्लिश विलो, एक्सक्लूसिवली अवेलेबल एट क्रिकेट क्लॉथिंग एंड लेट्स गो स्ट्रेट टू द पिंग ऑफ द बैट। ये लेजेंड सीरीज है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं और आप इसका पिंग सुनिए, देखिए और आवाज सुनिए, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा फील आ रहा है। बॉल इज फ्लाइंग रियली वेरी वेरी हाई, excellent bat and by that note we are moving to the next bat. Definitely it's not a new name for the customers as well, I'm talking about the mids. As you can see mids has a very shiny gloomy stickers over there, green combination mein unhone diya, green aur golden ka bahut acha combination diya hai. Bat profile looks very very good, excellent profile aur stickers bhi bahut acche lag rahe hain. As you can see the profile is very high standard aur iske andar bhi टो गार्ड जो है वो बिल्ट इन है एंड इफ यू कैन सी दिस प्रोफाइल, दिस काइंड ऑफ अ प्रोफाइल इज फ्रॉम मिड टू लो बेसिकली एंड स्पाइन इज रनिंग अक्रॉस ऑल द वे वेरी स्ट्रांगली वेरी फर्मली टुवर्ड्स द हैंडल जो कि हैंडल को बहुत अच्छा फील देती है और हैंडल जो है इसका राउंड हैंडल है, बहुत अच्छा आपको एक पिकअप के अंदर बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट टेल्स यू द क्वालिटी ऑफ द बैट एज वेल। और अगर इसके हम ग्रेन्स की बात करेंगे तो अगेन एज यू कैन सी वेरी स्ट्रेट शार्प ग्रेन्स, बहुत ही अच्छे ग्रेन्स हैं इसके, बहुत स्ट्रेट हैं, देयर इज नो ब्लेमिश ऑन द बैट एंड यू कैन सी द ग्रेन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऑलमोस्ट 10 ग्रेन्स हैं इसमें। मिड्स की लेजेंड सीरीज है ये और आप इस बैट की एक खास बात और है बिफोर गोइंग टू द पिंग कि ये बैट जो है एक्सक्लूसिवली नेम आफ्टर द इमामुल हक एडिशन का नाम इन्होंने दिया। एज यू कैन सी ओवर देयर इमामुल हक एडिशन जो कि अभी वर्ल्ड कप खेलने गए हैं इंडिया में, ऑल द बेस्ट विश टू पाकिस्तान टीम एज वेल फॉर दैट। और ये बैट का पिंग है अमेजिंग पिंग, साउंड सुनिए, बहुत ही अच्छा साउंड है और बहुत ही अच्छा पिंग है इस बैट का, एक्सक्लूसिवली अवेलेबल एट क्रिकेट क्लॉथिंग। और इसके बाद हमारे पास जो तीसरा बैट है वो भी जुल्फी लेजेंड है एमबी का, अगेन नॉट अ न्यू नेम फॉर द कस्टमर्स अराउंड द ग्लोब, एमबी इज बीन रेनाउंड सिंस एजेस और इस बैट का नंबर है 100 एज यू कैन सी ओवर देयर। इट्स अ जुल्फी लेजेंड सीरीज, एमबी का
स्पेशल अवेलेबल है क्रिकेट क्लोजेट के पास ये बैट, और इसका प्रोफाइल आपके सामने है, इट सेज 11 and 85 विच इज ऑलमोस्ट 2.7 इन वेट। और अगर इसके प्रोफाइल की बात करेंगे तो एक्सीलेंट प्रोफाइल, लुक एट दैट प्रोफाइल, लुक एट दिस ब्यूटी, बहुत ही जबरदस्त किस्म का प्रोफाइल है, मिड टू लो प्रोफाइल है, जो कि बता रहे हैं आपको कि बैट में बहुत ज्यादा जान है, और इसमें जो है वो टोगार्ड बिल्ट इन है। और एमडी की एक खास बात यह है जो उसको दूसरे बैट से डिफर करती है कि इनकी जो स्पाइन है वो मिड टू लो प्रोफाइल को तो कॉम्प्लीमेंट करती है, लेकिन ये साथ साथ हैंडल को भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि इनके हैंडल मोस्टली सेमी ओवल होते हैं। देखते हैं इस बैट का हैंडल कैसा है, और अगेन लाइक आई सेड अर्लियर ऑन, इट हैज अ सेमी ओवल हैंडल, बहुत अच्छा ग्रिप रहता है इससे। तो से फॉर एग्जांपल इफ यू लाइक टू हिट द बॉल वेरी हार्ड आउट ऑफ द पार्क, दिस इज द हैंडल फॉर यू एंड दिस इज द बैट फॉर यू, एंड लुक एट द ग्रेन्स, टू टोन के अंदर है ये बैट, और आप देख सकते हैं इसमें, और इसको थोड़ा सा शेड आ रहा है जो कि आपको बता रहा है कि इंग्लिश विलो की बहुत अच्छी वाली क्वालिटी इसके अंदर यूज हुई है, हाईएस्ट ग्रेड ऑफ इंग्लिश विलो यूज हुआ है, एंड ग्रेन्स आर अगेन वेरी स्ट्रेट एंड काउंटलेस, इट सीम्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऑलमोस्ट 12 स्ट्रेट ग्रेन्स। और इसका अगर हम पिंक की बात करेंगे, क्योंकि पिंक से आपको पता चलता है डेफिनेटली एंड में तो आपने मैच में खेलना है, शॉट्स मारने हैं, चौके छक्के लगाने हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू हैव अ पावर मशीन इन योर हैंड, एंड दिस इज द पावर मशीन, एमबी जुल्फी लेजेंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिंग है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैलेंस है, इवन आई एम मैनेजिंग विद वन हैंड। सो बाय दैट नोट वी आर मूविंग टू आवर टुडेज दिस एपिसोड लास्ट बैट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एहसान का आइकॉन, एंड यू कैन सी कि एहसान आइकॉन बहुत ही खूबसूरती के साथ क्राफ्ट किया हुआ है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसका एहसान का पूरा स्टिकर जो है वो इनग्रेव्ड है, ये पूरा आप देख सकते हैं आइकॉन बनता है, ये पूरा क्लासिक सीरीज है ये एहसान की, एंड अगेन एहसान इज नॉट अ न्यू नेम फॉर द कस्टमर्स, एंड लाइक आई सेड अर्लियर ऑन दीज बैट्स आर जस्ट नॉट द रैंडम बैट्स, ये बहुत ही स्पेशली एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होते हैं क्रिकेट क्लोजेट के ऊपर, ये ऑर्डर पे बनते हैं ये बैट्स, और इसको हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से देखकर हैंड पिक करके अपने कस्टमर्स के लिए लेकर आते हैं, तो इनके प्रोफाइल नॉर्मल बैट से डिफरेंट होते हैं, दिस इज अ डिफरेंस इफ यू आर बाइंग फ्रॉम द बैट्स फ्रॉम क्रिकेट क्लोजेट, लुक एट द प्रोफाइल हाउ हैवी इज इट, एज यू कैन सी टर्न अराउंड, देखें कि कितना जबरदस्त प्रोफाइल है, बहुत ही थिक स्पाइन है इसकी जो कि बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही है इसकी एजेस को, एजेस आर वेरी शार्प एंड स्ट्रेट एजेस, अगेन टो इज बिल्ट इन ओवर देयर, और अगर इसके हैंडल की अगर हम बात करेंगे तो देयर आर 4 रबर्स इंसर्टेड इन देयर, बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल हैंडल है, राउंड शेप हैंडल है, और आपको बहुत अच्छा फील दे रहा है, इट टेल्स यू द क्वालिटी ऑफ द बैट, एंड इट वेज अराउंड 2.7 to 2.8, and let's go straight to the ping of the bat, amazing। और आज की वीडियो में हम अपने कस्टमर से चाहेंगे कि वो हमें ये बताएं कि ये चारों बैट में से कौन सा बैट उनका पर्सनल फेवरेट है और किस बैट का प्रोफाइल उन्हें ज्यादा अच्छा लगा, तो काइंडली डू कमेंट, लुक एट द साउंड, हियर द साउंड एंड लुक एट द पिंग एज वेल, अमेजिंग, टॉप नॉच बैट स्पेशली अवेलेबल एट क्रिकेट क्लोजेट। सो आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो, इफ यू डू सो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट क्लोजेट।